क्या ये बिना BSES के अधिकारियों के और केबल सर्विस प्रोवाइडर के मिली भगत के हो सकता है? और लाइट कटने के बाद में पानी डाला और सारे नेबर्स जितने भी थे उन्होंने नीचे से ऊपर से सबने मेहनत करी तो हम लोगों की जान बची। और ये बार बार होगा, लगातार होगा, क्योंकि ये यहाँ पे लापरवाही बहुत ज़्यादा। भारत देश की ये बड़म्बना है कि जब तक कोई हादसा नहीं होता, जब तक कोई दुर्घटना नहीं होती, जब तक किसी की मौत नहीं होती, तब तक वो हरकत में नहीं आते। कई जगह कॉल किया, ना तो आग बुझाने वाली गाड़ी कोई पहुंची, ना समय पर पुलिस पहुंची, और उसके बाद सब कुछ देखिए जलकर पूरा राख हो गया। ये पूरी तस्वीरें आप देख रहे हैं, पालम साधनगर की तस्वीरें हैं। नमस्कार, मैं हूं प्रवीण और आप देख रहे हैं इंडिया टाइम 24 न्यूज़। इस वक्त हम राजधानी दिल्ली के पालम साधनगर में मौजूद हैं, जहां लगातार हर रोज़ आग लगने की घटनाएं सामने आ रही हैं। इससे पहले आपने सुना होगा कि बेबी केयर में भी आग लगी और कई जगहों पर दिल्ली के कई इलाकों में आग लगने की घटनाएँ सामने आ रही हैं। और इस 48 डिग्री के टेम्परेचर में जब आग लगती है और खंभों में जब आग लगती है तो लाइट चली जाती है, और लाइट जाने के बाद जो लोगों की हालत होती है, जो बच्चों की हालत होती है घरों के अंदर, उसका आप अंदाज़ा भी नहीं लगा सकते। और इस वक्त हम पालम इसलिए पहुँचे हैं कि ये जो इलाका है यहाँ पर लगातार 3 दिनों से आग लग रही है अलग अलग लोकेशन पे। सबसे पहले आप देखिए ये घर है, यहाँ पर कल रात को आग लगी और जो घर के ऊपर जो टाइल्स टाइप एल्युमिनियम लगाई हुई थी वो पूरी जल कर राख हो गई। और उसके बाद कैमरामैन के पीछे का हुआ एक बार दिखाए, ये खंभा है, यहाँ पर भी आग लगी। यहाँ पर आग लगने के बाद BSES वाले आए, तार काट कर चले गए, जो केबल का जंजाल है, वाईफाई का जो जंजाल है उसको BSES वाले काट कर चले गए। लेकिन दोबारा सुबह होते ही वाईफाई वाले केबल वाले दोबारा आ गए, दोबारा से तारों का जंजाल लगाने का सिलसिला शुरू हो गया। कुछ लोग हमारे साथ मौजूद हैं। सबसे पहली बात मैं बता रहा हूँ कि रात को एक बजे डेली 3 दिन हो गए लाइट चली जाती है, आग जगह जगह लग रही है। ये तो दिन में हो जाते थे, बहुत बड़ा हादसा होता, काफ़ी आदमी की हो सकता है, किसी की मृत्यु भी हो सकती थी। ये रात के हादसे हो रहे हैं और घरों में बच्चे सो नहीं पाते और पूरी रात बच्चे चिल्लाते रहते, सुबह 7 बजे लाइट आती है। और वजह क्या है इसकी? ये वजह ये है कि या तो लोड की वजह से है, वजह जो है ये दूसरी बात, केबल वाले तार लग रहे हैं इनकी वजह से भी मैन है जी। ये मेन कारण तो यही है जी, अगर थोड़ी वो चिंगारी हो रुक कर रह जाती है और ये जो तार पकड़ के पूरी आग लग जाती है जी। 100 नंबर पर फ़ोन किया, 100 नंबर पर फ़ोन करने के बाद भी वहाँ 2 घंटे के बाद फायर आई, जब तक बहुत बड़ा हादसा हो चुका था, फायर ब्रिगेड आई नहीं। जिन लोगों का ये मकान है जो अंदर बेचारे रह रहे हैं वो रात भर चिल्लाते रहे और मदद कोई भी पुलिस की तरफ से किसी ने मदद नहीं की। क्या नाम है? विनोद शर्मा। विनोद जी, ये आपका ही मकान है जिसमें आग लगी? हाँ, मेरा ही मकान है। क्या कहेंगे जब आग लगी तो कैसा मंजर था, किस किस को आपने मदद के लिए कॉल किया और कहाँ कहाँ से मदद पहुँची? भैया मैंने 112 पे कॉल किया था, इसमें एक PCR आई 15 से 20 मिनट बाद, और अप्रॉक्स 40 से 45 मिनट के बाद में BSES वालों ने आके लाइट कट करी, उसके बाद में थोड़ा कंट्रोल हुआ। अगर वो और 10-15 मिनट नहीं आते तो बहुत बड़ा घटना घट जाती। फायर की कोई गाड़ी नहीं आई। कॉल किया था आपने फायर ब्रिगेड? हाँ, मैंने 112 पे किया था, उसमें एम्बुलेंस को भी किया था कि बिल्डिंग में आ गए, एम्बुलेंस भी थी और PCR भी थी और फायर ब्रिगेड भी थे। कोई फायर की कोई गाड़ी आई थी? फायर की कोई गाड़ी नहीं आई, कोई गाड़ी नहीं आई। ये तो हमारे पास सिलेंडर थे तो हमने उससे थोड़ा सा बचाव किया, और लाइट कटने के बाद में पानी डाला और सारे नेबर जितने भी थे उन्होंने नीचे से ऊपर से सबने मेहनत करी तो हम लोगों की जान बची, अदरवाइज हम नहीं बच पाते कल। कितना लगभग आपको जो है नुकसान हो गया? सर नुकसान तो मैं क्या बताऊं, हमारी जान बच गई वो एक गनीमत है, नुकसान तो भरपाई हो जाएगा, हम बच गए हैं वो बहुत है हमारे लिए। ठीक है, तो अभी ये BSES वाले आए, इन्होंने जो है केबल की तार काट दी, ये दोबारा लगा तार काट दी है और ये ज्वाइंट मार के चले गए हैं। हमने बोला भी इनको कि सेपरेट एक विदाउट ज्वाइंट केबल डाले, तो उन्होंने बोला तो है कि अभी हमारे पास वायर स्टॉक नहीं है, अभी मीन टाइम हम लोग कर देते हैं, बाद में चेंज कर देंगे, तो देखो होपफुली ये कर देते हैं 1-2 दिन में। ठीक है, इंटरनेट का ले रहे हैं तार, ये हटने चाहिए, इनकी वजह से ज़्यादा आग भड़कती है, नहीं अगर ये नहीं होती ना तो इतनी आग नहीं भड़कती जी। इनसे इनकी वजह से आग लग रही है, बहुत परेशान है, इनके तारों की वजह से तो हो रहा है, और क्या हो रहा है। हाँ,
बहुत बुरा हाल है, जालों जाल बिछे हुए हैं, इतनी बड़ी हालत है। पहले कितनी बार ऐसी आग लगने की घटना हो चुकी है? हर साल कितनी कितनी हो रही है? बहुत हो रही है, बहुत हो रही है हर साल। पिज्जा हट पे लगी थी। जब तक ये केबल की तार कंट्रोल नहीं होगी, मेरा ये मानना है कि बिल्कुल भी लाइट की कोई भी समस्या खत्म नहीं हो सकती। मेन प्रॉब्लम है केबल की तारे हर खंबे पे कम से कम भी 500 केबल की तारे लगी हुई है। किसी भी खंबे का आप इनकी केबल वगैरह की शिकायत वगैरह दी है कहीं? शिकायत कर रखी, लेकिन वो है ही नहीं, कोई एक्शन होता ही नहीं है, जिसको कहते हैं। इससे पहले भी बहुत बार ऐसा हो रखा है ना कि हम लोग वायरिंग के लिए लोगों को बोला भी गया था कि जितनी पोल्स पे जो पोल्स पे लगी हुई है वायरिंग, उस वायरिंग को आप हटा दो जो अननेसेसरी है। तो वो तो कभी हुआ ही नहीं, और इसके अलावा हर जगह ऐसा है। तो ये अभी एक जगह इंसिडेंट हुआ है ना, ये बैक टू बैक होगा, एक सप्ताह के अंदर ये तीसरी बार ऐसा हो रहा है, और ये बार बार होगा, लगातार होगा, क्योंकि ये यहाँ पे लापरवाही बहुत ज़्यादा है। एक तो जितना भी यहाँ पे लोड शेडिंग का प्रॉब्लम चल रहा है, अननेसेसरी लोग यहाँ पे AC वगैरह यूज़ कर रहे हैं, और उसका पूरा खामियाजा यहाँ भुगतना पड़ रहा है। कल तो हमारे घर के लोग भी यहाँ फंसे हुए थे, और ये पूरी की पूरी वायर जल रखी थी, और आप यहाँ पे दिखाओगे ऊपर जब देखो तो लोग निकल नहीं पा रहे थे। अगर ये वायर गिर जाती नीचे तो क्या होता, इसका तो कोई समाधान नहीं। लगातार 3 दिनों से यहाँ आग जल रही है, अलग अलग लोकेशन पर यहाँ पर आग पकड़ रही है, दुर्घटनाएं हो रही हैं आग लगने की, और इस बीच प्रशासन सुस्त है, और बता रहे हैं जैसे भाई साहब की 112 नंबर पर कॉल किया, कई जगह कॉल किया, ना तो आग बुझाने वाली गाड़ी कोई पहुंची, ना समय पर पुलिस पहुंची, और उसके बाद सब कुछ देखिए जलकर पूरा राख हो गया। ये पूरी तस्वीरें आप देख रहे हैं, पालम साधनगर की ये तस्वीरें हैं, पूरा जलकर राख हो गया। बच्चों में डर का माहौल है, बड़ों में डर का माहौल है, और कई कई घंटों तक पूरी रात लाइट नहीं रहती है, इस वजह से लोग बेहद यहाँ परेशान हैं। लेकिन एक बड़ी चीज़ ये है कि जो तारों का जंजाल है वो पूरी दिल्ली के BSES के खंभों पर फैला हुआ है। कल रात को ये घटना हुई थी, और सुबह आकर BSES वाले पहले तार उनके काट के गए हैं केबल वालों के। अब देखिए दोबारा से जो है तारों को लटकाने का, तारों के जंजाल का एक बार दोबारा से सिलसिला शुरू हो गया। पीछे की तरफ दिखाइए, ये केबल वाले लोग हैं, फिर से ये पहुंच गए हैं, फिर से इन्होंने तार लगाने की कवायद शुरू कर दी है। और ये अक्सर दिल्ली में होता रहता है कि तारें काट दी जाती हैं लोगों के बचाव के लिए, लेकिन उसके बाद फिर वाईफाई वाले आ जाते हैं, केबल जोड़ने के लिए आ जाते हैं, और फिर से एक बार तारों का जंजाल खंभों के ऊपर लटका दिया जाता है, और एक बार फिर से आग लगने की घटनाओं का जो खतरा है वो लगातार बना रहता है। आप भी रहते हैं सर? हाँ जी। कितना गंभीर ये मामला है, और किसकी लापरवाही से ये सब हो रहा है? बिजली वालों की लापरवाही है सबसे ज़्यादा। तारे ज्वाइंट देखे थे, बना रखे उन्होंने, एक कितने ज्वाइंट देख लीजिए, आप खुद देख लीजिए, चेक कर लीजिए क्या दिक्कत आ रही है इसमें। अब या आइए कल, फिर रात को सो जाएगा, 4 दिन हो गए पूरे। दिल्ली सरकार जब बहुत ज़्यादा एक्शन नहीं लेगी कुछ नहीं हो सकता है। जब तक दिल्ली सरकार इस पर एक्शन नहीं लेगी तो कुछ नहीं हो सकता है, हम ऐसे ही मरते रहेंगे। अनयूज वायर हटवानी चाहिए, या कोई अंडर वायर इनके लिए बनाना चाहिए, अंडरग्राउंड के लिए हो, आप अपना बोल बनाओ, अपने अंडर में लेके जाओ, तो ही इसका सलूशन है, तो अदरवाइज ऐसे ही रहेंगे। जी हम यही रहते पालम में। क्या कहेंगे सर, कितना बड़ा खतरा है बच्चों के लिए, बड़ों के लिए? ये जो खतरा तो आपके सामने, बहुत बड़ा हादसा होते होते बचा ही, और सबसे बड़ी दिक्कत है यहाँ की BSES बड़ी लापरवाह है। लोड है कॉलोनी में ज़्यादा, और जो ट्रांसफार्मर है कम लोड के, इनको मेन तो ट्रांसफार्मर चेंज करने चाहिए, हैवी लोड लगाना चाहिए, क्योंकि उसकी वजह से ही वायरिंग हीट होती है। ये लोड शेडिंग की दिक्कत है, मेन दिक्कत जो है मेन है ट्रांसफार्मर। कॉलोनी में लोड ज़्यादा है और ट्रांसफार्मर कम लोड के हैं, इनको ट्रांसफार्मर बदलने चाहिए, और ये जो वायर के जो ज्वाइंट लगाए हैं, ये दोबारा हादसा हो सकता है। ये देखिए ये जो वायरिंग है इसमें आग लगी थी, और उसके बाद जब BSES वाले आए तो कितने सारे जॉइंट्स यहाँ पर कर दिए गए। लोगों का कहना है कि इसकी वजह से एक बार दोबारा एक बड़ा हादसा जो है हो सकता है, और ये कोई पहली खबर नहीं है। इंडिया टाइम 24 न्यूज़ लगातार आपको ऐसी खबरें दिखाता रहा है जिसमें अलग अलग वजहों से BSES के खंभों पर आग पकड़ लेती है, और उन खंभों के बगल में जो घर मकान होते हैं वो आग उन घर मकानों तक पहुंच जाती है, बेडरूम तक पहुंच जाती है, और एक बहुत बड़ा खतरा उस घर के अंदर रहने वाले लोगों को लगातार होता है। भगत चंद्रा हॉस्पिटल विश्व की सभी आधुनिक और बुनियादी सुविधाओं से परिपूर्ण एक वर्ल्ड क्लास मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, महावीर इनक्लेव पालम डाबडी रोड पर स्थित साउथ वेस्ट दिल्ली का एकमात्र मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल,
जहां 24 घंटे आपकी सेवा में उपलब्ध हैं वेल क्वालिफाइड डॉक्टर्स और हेल्पिंग स्टाफ। डॉक्टर सीएम भगत द्वारा स्थापित भगत चंद्रा हॉस्पिटल, आपकी सेहत का ख्याल रखना ही इसकी प्राथमिकता है, वो भी अफोर्डेबल रेट्स में। तो पालम साधनगर के गली नंबर 14 में हम लोग मौजूद हैं और यहाँ BSES के पिलर्स पर कैसे तारों का जलजाल लटका हुआ है वो आप देखिए। ये देखिए, ये एक BSES का खंभा है, यहाँ से वाईफाई का तार भी जा रहा है, यहाँ से तमाम केबल्स ऑपरेटर्स ने अपने तारों के बंडल लटकाए हुए हैं और कहीं भी आपको खंभा नज़र नहीं आ रहा होगा, नज़र आ रहे हैं तो सिर्फ तार ही तार। बिजली की आपूर्ति के उद्देश्य से इस खंभे को BSES द्वारा लगाया गया था, लेकिन इसका इस्तेमाल हो रहा है वाईफाई की केबल्स के लिए और अन्य जो केबल प्रोवाइडर्स हैं वो लगातार देखिए इस तरह से अपने छल्ले अपने गुच्छे जो है लटका के चले जाते हैं और पूरा तारों का जंजाल इस खंभे के ऊपर लटका हुआ है। और बताया जा रहा है यहाँ भी शॉर्ट सर्किट हुआ था। इसके साथ ही एक ये देखिए ये वाला खंभा है, हर रोज़ यहाँ आते हैं, सामने राज डेयरी है, यहाँ कस्टमर्स भी आते हैं लगातार, हर रोज़ हज़ारों कस्टमर्स यहाँ से गुजरते हैं और यहाँ भी खंभे के ऊपर आप तारों का जलजार देखेंगे। ये एक बहुत बड़ा खतरा है यहाँ रहने वाले लोगों के लिए, क्योंकि शॉर्ट सर्किट के वजह से लगातार आग लगने की घटनाएं सामने आ रही हैं और सबसे बड़ी वजह यही बनती है कि तारों पर जो खंभों पर तारों का जंजाल लटका होता है शॉर्ट सर्किट होता है और वो आग पकड़ लेता है। आग पकड़ने के बाद जो बगल में मकान होते हैं वहाँ तक भी आग पहुँच जाती है। इसमें भी शॉर्ट सर्किट हुआ था क्या? हाँ जी, अभी पीछे शॉर्ट सर्किट हुआ था जी इसके अंदर, और ये जो है वाईफाई के जितने भी तार लटके हुए हैं कंपनियां ठेका छोड़ देती हैं और ये बिजली के पोल पे सबने तार बांध रखे हैं, सबसे ज़्यादा आग लगने का कारण यही है। तो आपको क्या लगता है क्या ये मिली भगत से चल रहा है पूरा? बिल्कुल सर, मिली भगत से है जी, नहीं तो इनके क्या हिम्मत है जो बिजली के पोल पे अपने तार बांध देंगे वाईफाई वाले। आप ये देखो पूरा जाल है, मौत का जाल है जी, ये देखो क्या हाल है, अगर आग लग जाए तो बचे नहीं कॉलोनी। तो आपको लगता है बिना मिली भगत के हो सकता है? नहीं, बगैर मिली भगत से नहीं हो सकता जी, जब इतना तो ऐसे केबल ऑपरेटर से हाँ पैसे जाते हो जब भी लगाने देता ऐसे तो हो ही नहीं सकता जी बिल्कुल भी। सर कस्टमर्स आते हैं कितना खतरा रहता है ये तारों के जंजाल जो लटके हुए? ये सब बहुत ज़्यादा खतरा रहता है हाँ, इसमें जैसे शॉर्ट सर्किट होया था कल भी होया था। अच्छा हाँ जी, तो आपके जो कस्टमर्स आते हैं उनको खतरा बना रहता होगा? खतरा का बना रहता है जी। तो बिल्कुल देखिए ये स्थिति दिल्ली के कई इलाकों में है और ये एक बड़ा सवाल है, क्या ये बिना BSES के अधिकारियों के और केबल सर्विस प्रोवाइडर के मिली भगत के हो सकता है? भारत देश की ये विडंबना है कि जब तक कोई हादसा नहीं होता, जब तक कोई दुर्घटना नहीं होती, जब तक किसी की मौत नहीं होती, तब तक वो हरकत में नहीं आते। यही यहाँ चल रहा है पालम साधनगर में, पहले भी ऐसे मामले सामने आए हैं और कल रात भी आग लगी, उससे पहले अलग अलग जगहों पर हर रोज़ आग लगने की घटनाएँ सामने आ रही हैं, लेकिन प्रशासन सुस्त है, बस आग लगती है ज्वाइंट करके चले जाते हैं, इसके अलावा कोई कुछ नहीं करना और लगातार आग लगने का खतरा बना रहता है। लोगों का कहना है कि ये जो वायरिंग सिस्टम है ये पूरा हटाना चाहिए, अंडरग्राउंड होना चाहिए और BSES को बेहद गंभीरता से इस पूरे मामले को लेना चाहिए। कैमरा जर्नलिस्ट लक्ष्मण के साथ प्रवीण, इंडिया टाइम 24 न्यूज़। खबरों से खबरदार रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और प्रेस करें बेल आइकन।